तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेस्ट मोबाइल फोन की। काफी अच्छा मोबाइल फोन, काफी अच्छे बजट में आता है, अंडर 30,000 है, काफी दी बेस्ट फीचर्स के साथ आता है। तो हम बात करने वाले एक दी बेस्ट ब्रांड की। तो ब्रांड है IQ और IQ का मोबाइल फोन है IQ Neo 5G स्मार्टफोन है। तो आपको पता ही है अभी ट्रेंडिंग में 5G मोबाइल चल रहा है, तो अभी सभी 5G बाय करने वाले, लेकिन इंडिया में 5G अभी लॉन्च हुआ ही नहीं है। मोबाइल फोन है, हैंडसेट से पता नहीं क्या करने वाले इंडिया वाले। चलो कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा बहुत जल्द 5G भी, आज हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उसकी बात हम दूसरी वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं नियो की। नियो दी बेस्ट मोबाइल फोन है, काफी जल्दी ही इंडिया में आने वाला है, काफी जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। नियर बाय 9 दिसंबर को आपको ये देखने को मिलेगा स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला। काफी अच्छा स्मार्टफोन है, तो काफी अच्छे अट्रैक्टिव फीचर्स के साथ आता है, अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आता है। तो आज हम बात करते हैं नियो के बारे में। तो बात करते हैं सबसे पहले इसकी परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस में आपको स्नैपड्रैगन 870 ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिलता है, और बात करें इसके साथ में रैम की, तो 8GB की इसमें रैम देखने को मिलती है। काफी अच्छी है, काफी अच्छे बजट में आने वाला मोबाइल फोन है, तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी इसकी देखने को मिलेगी। तो बात करते हैं इसकी इंटरनल स्टोरेज की, तो 128GB के साथ आपको देखने को मिलता है, काफी अच्छी है इसकी परफॉर्मेंस है, तो आपको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की, 6.62 इंच की AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, काफी अच्छी है। बात करें इसके रिफ्रेश रेट की, तो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आपको दी गई है ये स्क्रीन डिस्प्ले, आपको देखने को मिलती है 120Hz के साथ। बात करते हैं पिक्चर पर इंच की, तो 398 पिक्चर पर इंच है, काफी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें भी आपको। बात करते हैं इसकी ऑल ओवर लुक की, तो बेजललेस विद पंच होल डिस्प्ले आपको दी गई है, तो आपको कंप्लीट डिस्प्ले यूज करने के लिए मिलती है। आप वीडियो में एंजॉय कर सकते हैं, आपको काफी अच्छे से वीडियो देख सकते हैं, गेमिंग में आप अच्छा मजा ले सकते हैं। तो परफॉर्मेंस में काफी अच्छा है, स्नैपड्रैगन का दिया गया इसमें प्रोसेसर है, और बात करते हैं इसकी रैम की, तो 8GB दी गई है, तो आप इसमें गेमिंग वगैरह अच्छे से कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई भी आपको इशू नहीं होने वाला, गेमिंग आप दबा के कर सकते हैं काफी अच्छे से, कोई लैग वगैरह का आपको इसमें इशू नहीं होगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं इसकी कैमरा की, तो कैमरा सेटअप भी काफी अच्छा दिया गया है, ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। तो बात करते हैं इसकी प्राइमरी कैमरा की, तो 48MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया, काफी अच्छा कैमरा है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी कैमरा की, तो 13MP का सेकेंडरी कैमरा दिया गया है, और थर्ड कैमरा की बात करें तो 2MP का आपको इसमें थर्ड दिया गया, काफी अच्छा कैमरा सेटअप है। तो बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरा की, तो 16MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो कि थोड़ा कम है, एवरेज हम ज्यादा नहीं कह सकते, 32MP का इनको देना चाहिए था कम से कम, वाइड एंगल के साथ आपको मिलता है। तो बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो बैटरी बैकअप काफी अच्छा दिया गया है, लेकिन बैटरी दी गई है 4400mAh की, काफी अच्छी बैटरी है, 65W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो मैं बता दूं बैटरी इसमें थोड़ी सी 5000mAh तक कर देनी चाहिए थी, काफी इंप्रूव की जरूरत थी इसमें, लेकिन बाकी ऑल ओवर बैकअप ज्यादा है, आपको उसमें भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बात करें इसकी वेट की, तो वेट भी स्लिक और कम वेट दिया गया है, इसी वजह से इसकी बैटरी को थोड़ा सा माइनर सा कम किया गया है। बाकी ये 9 दिसंबर को इंडिया में लॉन्च होने वाला है, बहुत ही जल्दी आपको ये देखने को मिलेगा इंडिया। तो इसकी बात करते हैं कीमत की, तो 28,000 रुपये में ही आपको इंडिया में लॉन्चिंग होने वाली है इसकी, 28,000 रुपये में आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। इंडिया में 9 दिसंबर को ये लॉन्च होने वाला है, जैसे ही ये लॉन्च होता है आप इसको बाय कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे इसमें फीचर्स दिए गए हैं, काफ़ी अच्छा ऑल ओवर ये मोबाइल फोन है। अगर आपको ये मोबाइल फोन पसंद है, आपको बाय करना है, तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी कोई और वीडियो चाहिए, आपका कोई फेवरेट मोबाइल है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट करके बताएं, हम आप उसके बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में लेके आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली आप वीडियो देख सकें। थैंक यू दोस्तों।